हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल GSR बजरंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड की पूरी जानकारी ए से लेके जेड तक। जैसे कीबोर्ड पर हमारे जितने बटन होते हैं, किस बटन को हम क्या बोलते हैं, किस बटन से हमारा क्या होता है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड कितने भागों में बटा हुआ है, कीबोर्ड की और भी बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। यदि आप कीबोर्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जैसे मान लो आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आप कीबोर्ड से कैसे काम करेंगे, यदि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आप माउस से कैसे काम करेंगे, यानी कि ये कीबोर्ड की बेसिक क्लास होने वाली है। यदि आप इसके बारे में सीख लेंगे तो आप कीबोर्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार, स्वागत करता हूँ आपके चैनल GSR बजरंग में। गाइस, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन आकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस तरीके की और वीडियो बनाऊँ, इस तरीके की और वीडियो लेके आऊँ, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी देने वाले हैं। गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप जानना चाहते हैं कीबोर्ड के बारे में A to Z सभी डिटेल्स के बारे में, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों, आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ कीबोर्ड के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के डेफिनेशन के बारे में। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड को गाइस हम हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल। गाइस, डेफिनेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। आज के समय में क्वालिटी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, मैं आपको तो आज के समय जिस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता, जो भी हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उसमें 108, 107 इस तरीके के यहाँ पे बटन होते हैं। और जो गाइस हमारे सामान्य कीबोर्ड होते हैं उनमें 104 बटन होते हैं, 105 ही बटन होते हैं। तो इसी एर फेर में लगभग यहाँ पे बटन रहते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझ लेते हैं। गाइस, नंबर 1 पर आता है टाइप राइटर, यानी जिसको हम बोलते हैं अल्फा नंबरिक की। अब देखो, जो हमारे कीबोर्ड पर बटन होते हैं कहाँ तक हमारी अल्फा नंबरिक की होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज भी बना के रखा, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। यह कीबोर्ड का मध्य भाग होता है। इसमें सभी इंग्लिश लेटर ए से लेकर जेड तक होते हैं, तथा अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और कुछ सिम्बल और कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिसे हम सिम्बल वगैरह बोलते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे हाईलाइट मैंने करके रखा, देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा इतना एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं अल्फा नंबरिक की। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, इसके बाद नंबर 2 पे हमारी आती है फंक्शन की। फंक्शन की गाइस हमारी कौन सी होती है, इसमें F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बटन होते हैं जिन्हें फंक्शन की बोलते हैं। जैसा कि गाइस आपको कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इस तरीके से F1 से लेकर F12 तक, इनको गाइस हम फंक्शन की बोलते हैं। और गाइस, मैं आपको तो ज़्यादातर जो इनका इस्तेमाल होता है वो टैली में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल टैली में किया जाता है फंक्शन की का। गाइस, नंबर 3 पे हमारे आते हैं नंबर कीपैड। अब गाइस, नंबर कीपैड हमारे कौन से होते हैं, इसका उपयोग 0 से लेकर 9 तक संख्या भरने में किया जाता है। इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि के चिन्ह होते हैं जिन्हें नंबर कीपैड बोलते हैं। तो गाइस, आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं नंबर कीपैड आपके यहाँ पे इस तरीके से, इतना जो हमारा एरिया होता है कीबोर्ड का उसको हम नंबर कीपैड बोलते हैं। गाइस, सबसे नीचे आते हैं नंबर 4 पर, इसको गाइस हम बोलते हैं कर्सर मूवमेंट। अब देखो, इससे मान लो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा। देखो, इसमें इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसमें तीर के निशान होते हैं। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख के रखा ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ, जिनकी मदद से आप माउस के कर्सर को इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी घुमा भी सकते हैं। और गाइस, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इस तरीके से, इसको गाइस हम बोलते हैं कर्सर मूवमेंट, यानी इसका इस्तेमाल करके आपका जो भी माउस होता है, माउस का जो भी कर्सर वगैरह होता है, उसको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। गाइस, कीबोर्ड के बारे में और बात करें, यहाँ पे डिटेल्स में समझना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज और बना के रखा है, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझा सकूँ। यदि डिटेल्स में बात करें कीबोर्ड की, तो मैन तुम्हारे 4 भागों में बटाई है। डिटेल्स में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाली हमारे फंक्शन की होती है, और देख सकते हैं इस तरीके से। यदि पूरी एरिया की बात करें गाइस, इसको बोलते हैं नेविगेशन की, जिसमें आपके कर्सर मूवमेंट भी यहाँ पे शामिल होते हैं, ऊपर वाले ए वाले बटन भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। और गाइस, इसके जस्ट बगल में देखेंगे, इसको ऐसा बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड,
जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया था। और गाइस आप यहाँ पे नीचे देखें, इतना तो जो हमारा एरिया देख सकते हैं इस तरीके से गाइस, इसको बोलते हैं अल्पा नंबरिंग की, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो बाकी के जो हमारे बटन रह जाते गाइस, इसको बोलते हैं कंट्रोल की, जैसे आपको कीबोर्ड पे दिखाई दे रहा हो, कंट्रोल बटन हो गया, विंडो बटन हो गया, और यहाँ पे ऑल्ट बटन हो गया, और यहाँ पे स्पेस बार वगैरह हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो गाइस इसको हम यहाँ पे यदि कीबोर्ड के डिटेल्स में समझें तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे जितने भी बटन होते हैं उनके नेम क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि किस बटन का क्या नेम होता है, किस बटन को किस नाम से यहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा, जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा हुआ, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। इस डायग्राम को दोस्तों मैं आपको PDF के फॉर्मेट में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आ जाएगा, या तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे कोने पर आपके यहाँ पे इस तरीके से लिखा मिलेगा ESC, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे लेफ्ट साइड में कोने पे बटन होता है इस तरीके से, इसको गाइस हम बोलते हैं एक्सेप्ट की, क्या बोलते हैं गाइस, एक्सेप्ट बटन बोल सकते हैं, एक्सेप्ट की बोल सकते हैं। इसके बाद गाइस आप आते इस तरीके से दे सकते हैं जो हमारे फंक्शन की होते हैं F1 से लेके F12 तक, इसको तो गाइस आपको पता है F1 F2 इसको तो उस पर तो नाम लिखा ही है। अब गाइस हम बात करते हैं इसके नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये वाला बटन दिखाई देगा, देख सकते हैं जो हमारा एक्सेप्ट बटन होता है ना, एक्सेप्ट बटन के ठीक नीचे ये वाला बटन, इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिख के रखा, देख सकते हैं गाइस इस तरीके से आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इसको गाइस हम बोलते टिल्डे की, आपको सुन के थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, तो गाइस इसका नाम है, ठीक है, टिल्डे की, आप यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हैं। और गाइस इससे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा TAV, इस पर आपको एरो भी मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पे राइट साइड में, गाइस इसको मतलब टैब की, इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कैप्स लॉक मिल जाएगा जिसमें आपको लिखा ही है, ठीक है, आप नीचे उसके नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा शिफ्ट, जिसमें एरो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको गाइस हम बोलते हैं शिफ्ट की। और गाइस सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, देख सकते हैं CTRL, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो गाइस इसको हम बोलते हैं कंट्रोल की, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। और गाइस आप इसके जस्ट बगल में देखेंगे आपके यहाँ पे ऑल्ट की मिल जाएगी, ALT जिस पर लिखा हुआ है। और गाइस इसके जस्ट बगल में और देखेंगे आपका जो बटन होता है ना, सबसे बड़ा होता है कीबोर्ड पे, सबसे बड़ा बटन होता है गाइस, उसको बोलते हैं स्पेस बार, जैसे कि आप यहाँ पे नेम से भी जान सकते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं इस तरीके से आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, आपके यहाँ पे इस तरीके से सिंबल में देख सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपके यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, यानी दो एरो की होते हैं आपके यहाँ पे, ब्रैकेट वगैरह होते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें दो ब्रैकेट होते हैं, देख सकते हैं ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपको दिखाई दे रहा हो इस तरीके से देख सकते हैं, जिसको गाइस हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में और आप यहां पे देखेंगे जिसका नाम शिफ्ट की है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, और भी आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे चार एरो की मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, गाइस इसको बोलते हैं एरो की। इसके बाद गाइस आप यहां पे ऊपर इस तरीके से दिखाई देंगे दो बटन, देख सकते हैं पेज अप और यहाँ पे पेज डाउन, इसको तो नाम आपको पता है पेज अप पेज डाउन, यानी कि किसी स्क्रीन को नीचे आने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए इसका मतलब होता है। और गाइस और भी हम यहाँ पे बात करें, आप ऊपर आएंगे इस तरीके से देख सकते हैं, आपके यहाँ पे मिल जाएगा ये बटन, तो गाइस इसको बोलते हैं अंडर स्कोर, जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको बहुत सारे लोगों को इसका नाम पता नहीं होता, तो गाइस मैं आपको तो इसको हम क्या बोलते हैं अंडर स्कोर, इस वाले बटन को, ठीक है, आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपके यहाँ पे एक माइनस का बटन होता है, एक आपके यहाँ पे अंडर स्कोर होता है। और गाइस बात करें हम और भी यहाँ पे बटन है, जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस तरीके से, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं बैक स्पेस, गाइस इसको हम डिलीट की भी बोल सकते हैं, ठीक है, बैक स्पेस, जैसे हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं। और गाइस और भी आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की मिल जाएगी इस तरीके से, ये वाला बटन को हम क्या बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन की। और गाइस आप यहाँ पे मिल जाएगा जो हमारे नंबर कीपैड होते हैं उसमें आएंगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, गाइस इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, क्या बोलते हैं गाइस हम इसको फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, तो आपके इसको समझ में आ जाएगा। गाइस और भी यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, देख सकते हैं इस तरीके से स्टार, जो आप अपनी भाषा में इसको स्टार बोलते होंगे, गाइस इसको हम क्या बोलते हैं एस्ट्रिस, ठीक है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं माइनस की हो गया, प्लस की हो गया, इसको तो आपको पता होगा, एंटर की हो गया, ठीक,
इस तरीके से दोस्तों ऐसे बहुत सारे बटन हैं जो आपको मैं डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कीबोर्ड के बारे में। गाइस अब मैं आपको थोड़ी यहाँ पे जानकारी और दे देता हूँ। जैसे मान लो आपके जो भी यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, यदि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आप कैसे प्रेस करेंगे। जैसे मान लो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कीबोर्ड। जैसे मान लो आपका ये वाला कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड है जैसे कि आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप ऊपर देखेंगे, ऊपर के साइड देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ नंबर मिलेंगे, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, यानी 1 से लेके 0 तक आप यहाँ पे नंबर मिलेंगे और नंबर पर ही आप यहाँ पे कुछ सिंबल मिलेंगे। तो जैसे मान लो यदि आप नंबर टाइप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस बटन को इस तरीके से प्रेस करना है, आपको विदाउट शिफ्ट के प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, मैं यहाँ पे प्रेस करके भी आपको दिखाता हूँ। यदि मान लो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप जो भी उस पर सिंबल दिए हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस पर सिंबल दिए एट द रेट वगैरह, हैज वगैरह, डॉलर का साइन वगैरह, इस तरीके से। यदि मान लो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे ना तो आप यहाँ पे जो भी आपके सिंबल है आप सिंबल को यहाँ पे प्रेस कर पाओगे। तो और गाइस आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक चीज और मिल जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से, जिस पर आपको यहाँ पे लाइट मिलती है कीबोर्ड पर इस तरीके से। गाइस इसको बोलते हैं इंडिकेटर, यानी आप यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट दिख जाएगी, आप यहाँ पे नम लॉक को ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पे लाइट दिख जाएगी। तो गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, इसको गाइस हम बोलते हैं इंडिकेटर की। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मान लो आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, और मान लो आपकी अचानक जो भी आपके कीबोर्ड पर बटन होते हैं उसमें से कोई बटन आपका काम नहीं कर रहा और आपको काम करना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा हो, टाइप टू सर्च, आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे लिखना होगा OSK। जैसे आप OSK, सॉरी यहाँ पे 0 मैंने लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ OSK। जैसे आप OSK लिखेंगे तो आपके यहाँ पे दिखाई देगा वन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपका जो भी कीबोर्ड होगा ना, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपके सामने इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा। अब आपको क्या करना, आप इनके बटन को यहाँ पे इस तरीके से यूज करके जो भी आपका कीबोर्ड पर बटन काम नहीं कर रहा, आप अपने माउस से यहाँ पे क्लिक करके काम कर सकते हैं। अब गाइस बहुत सारे लोगों को एक सवाल जरूर होगा, ये मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में जरूर आया होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे बोला OSK में टाइप करना है, चलो हमने टाइप कर दिया, ठीक है, आप बोलोगे मुझसे कमेंट में, इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये कमेंट छोड़ ही नहीं रहा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। जैसे मान लो आप बोलोगे मुझसे कि मान लो हमारे कीबोर्ड का ओ ही नहीं काम कर रहा, फिर हम क्या करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपका माउस तो काम कर रहा है तो आपके यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा, यदि विंडो 10 है तो, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से, ईज ऑफ एक्सेस, इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे मिल जाएगा कीबोर्ड, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से कीबोर्ड, यूज योर डिवाइस विदाउट ए फिजिकल कीबोर्ड, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना। दोस्तों जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा। तो यदि आपके माउस के बटन OSK काम कर रहे हैं तो आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे सर्च बार में टाइप करके एंटर करके डायरेक्ट यहाँ पे अपने कीबोर्ड को ले सकते हैं, यदि काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली उससे काम चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड की पूरी जानकारी दे रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें ये चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे मान लो आपका कभी भी मान लो माउस काम नहीं कर रहा, अभी तो मैंने आपको ये बताया, जैसे मान लो आपका कीबोर्ड पर कोई बटन काम नहीं कर रहा तो आप कैसे काम करेंगे। अब मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ, जैसे आपको मान लो माउस काम नहीं कर रहा तो आपको क्या करना, आपको टेंशन लेने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो भी आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड को ही आप यहाँ पे माउस बना सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कर्जर मूवमेंट, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, मैं एक बार दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये वाला हमारा जो कर्जर मूवमेंट था, ये वाला, ठीक है, जो हमारा नंबर कीपैड है, नंबर कीपैड पर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, देख सकते हैं ये वाला हमारा नंबर कीपैड, जैसे एरो बने होंगे, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 8 पर यहाँ पे एरो बना होगा, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 4 पर बना होगा, और यहाँ पे 2 पर बना होगा, और यहाँ पे आपको 6 पर बना होगा। आप नंबर कीपैड में जाके देखेंगे तो उनके बटन पर यहाँ पे एरो बने होंगे, और किसी किसी पे तो दोस्तों यहाँ पे बने ही होते हैं, जैसे 7 पर भी बना होता है, 3 पर भी बना होता है, 1 पर भी बना होता है, 9 पर भी बना होता है, यानी सब पर एरो बने होते हैं। तो दोस्तों कभी आपने सोचा इनका यूज क्या होता है, ये एरो क्यों बने होते हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए होते हैं, जैसे मान लो अचानक आपका माउस है, माउस काम करना बंद हो जाता है, तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे काम कर सकते हैं, माउस का जो भी काम होता है वो आप अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको मान लो अपने कीबोर्ड को माउस बनाना है तो आपको अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट को यहाँ पे प्रेस करना होगा, मैं आपको बताया, तो ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नम लॉक,
आपको तीनों को एक साथ प्रेस करना है। गाइस मैं आपको तो आपको जो भी ऑल्ट और शिफ्ट है आपका लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए और नमलॉक। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो भी एरो की होते हैं जो भी आपके एरो की होते हैं ना उससे आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है, जो भी आपके नंबर कीपैड पर आपके जो भी एरो मैंने अभी आपको बताए थे, जो आपके यहाँ पे 4 पर एरो था, 6 पर एरो था, 8 पर एरो था और यहाँ पे 2 पर एरो था, उससे आप यहाँ पे अपने कर्जर को देख सकते हैं, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर जो भी मेरे फाइल है कंप्यूटर में जाना चाहता हूँ, सिंपली मैं कंप्यूटर में इस तरीके से गया देख सकते हैं 4 एरो की मदद से। अब जो भी आपका 5 बटन होता है उस पर आपको एक डैश सा मिल जाएगा देख सकते हैं हल्का सा, आप ध्यान से देखेंगे अपने कीबोर्ड पर तो आपको अपने 5 बटन को 2 बार एंटर कर देना जल्दी जल्दी से, तो वो एंटर का यहाँ पे काम करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 बार एंटर कर देता हूँ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 बार एंटर किया तो अभी आप देखेंगे आपका जो भी यहाँ पे कंप्यूटर था ओपन हो चुका है। जैसे मुझे क्लोज करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा अपने कर्जर को यहाँ पे क्लोज पर ले जाऊँगा इस तरीके से देख सकते हैं। इस बार ऊपर ले जाऊँगा तो जैसे मैं क्लोज पर ले जाऊंगा इसके बाद मुझे एंटर बटन को प्रेस कर देना, जो मेरा 5 बटन है उसको प्रेस कर देना है तो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड को माउस बना सकते हैं। गाइस ये ट्रिक आपको बताती कि नहीं बताती कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि मान लो आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से यहाँ पे प्रेस करना होगा ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, तो यहाँ पे थोड़ा सा साउंड आएगा, उसके बाद आपका जो भी कीबोर्ड होगा डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आपको लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन लगाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि इस तरीके की और वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।